हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 to 50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि कवर करते हैं। आप चाहे इंडिया में दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आप कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल गाइज, ये सेशन देखिए। आपको इतना नॉलेज आपको मिलेगा कि आप किसी इंटरव्यू के अंदर, आप अपने एग्जाम के अंदर, आप अपने डेली लाइफ के अंदर जो है काफ़ी नॉलेजेबल है, जो कि फील करेंगे और आपको काफ़ी मजा आएगा। और ये सेशन को जो है अपना लाइफ का पार्ट है जो कि बना लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है 6th of October, तो 6th of October के दोस्तों जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है सारे के सारे हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग दोस्तों ये सारे एग्जाम हैं जिनके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो करिए, और आपको एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन जो है आपको जो हम लोग कवर करते हैं ना, यहीं से ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। और सबसे पहले ये सारे न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद अलावा आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट और कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए, और मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए पैटर्न जो है वो जरूर बदला है क्वेश्चन का। मैं आपको हर न्यूज़ के बाद में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सो दैट आपका रिटेंशन पावर जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सके। उसके अलावा अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी प्लस पे कर सकते हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है, PDF, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको अवेलेबल होती है। आपको रेफरल कोड लगाना होता है 10% ऑफ के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU 10 या BHU 10। आप यहाँ ये रेफरल कोड UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, ओके, किसी भी में भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, ओके, किसी के अंदर भी। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे SSC है, UPSC है, IIT है, ओके, CDS है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव द एग्जाम, यू विल गेट द ईच एंड एवरी गोल हियर। आपको यहाँ पे प्लस में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है 12 या 24 महीने पे, और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। रिसेंटली बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको रिसेंटली अभी स्टार्ट हुए हैं, और मैं जो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ गाइज, इंडियन ज्योग्राफी कल से या परसों से, 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा इंडियन ज्योग्राफी, ओके। तो आप सुबह 11 बजे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं प्लस क्लास को, जहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ है जो कि पढ़ा रहा हूँ, ओके। ये सारे के सारे अभी रिसेंटली कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। आज अगर मैं बात करूँ तो 11 और 12 दो क्लास है दोस्तों, ओके, अपनी स्पेशल क्लास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करें, अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है गाइस, तो आपकी फंडामेंटल एक ड्यूटी है कि किसी को एजुकेट करना ड्यूटी होनी चाहिए, कि आप अपना 500 रुपीज एक पिज्जा की कॉस्ट के ऊपर एक बच्चे को एजुकेट करें, तो आप कर सकते हैं। एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेके आपको कंप्लीट डिटेल है जो कि मिल जाएगी। आज कोट ऑफ द डे की बात करें तो विल स्मिथ के द्वारा दोस्तों एक बहुत जबरदस्त बात है जो कि बोली गई है, मनी एंड सक्सेस डोंट चेंज पीपल, दे मेरली एम्पलीफाई वॉट इज ऑलरेडी देयर। तो बिल्कुल सही बात है जो कि बोली। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, मेजरली लोग ऐसे होते हैं कि मनी और सक्सेस आने के बाद में चेंज हो जाते हैं, और सब लोग बोलते हैं यार पैसा आने के बाद में चेंज हो गया, सक्सेस के बाद में चेंज हो गया। एक्चुअली के अंदर गाइस सही बात है, वो चेंज नहीं होते, उनके अंदर में पहले से ही ऐसा होता है, वो लोग ऐसे ही होते हैं, बस क्या होता है कि सक्सेस या मनी ने उनको एम्पलीफाई कर दिया है, ओके। तो आप लोग भी आने वाले टाइम पे दोस्तों बहुत सारे लोग आप में से बहुत ही अमीर बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे, बहुत अच्छी अच्छी जॉब में जाएंगे। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि अपने आप को चेंज ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। अपने आप को चेंज करोगे तो यकीन मानिए, अगर चेंज करना है तो अच्छे सेंस में चेंज करो। एरोगेंस हो गया, ईगो हो गया, लोगों से गलत तरीके से बात करना, मनी की पावर, सक्सेस की पावर को शो ऑफ करना, ये बहुत ही गलत है। और यकीन मानिए इससे आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि टूटेंगे, और हो सकता है आपको सक्सेस मनी वापस से मिल जाए, लेकिन अच्छे लोग दुनिया में बहुत ही कम है जो कि मिलते हैं। तो यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट देम, और वैसे ही रहिए जैसे आप हैं, हमेशा नेचुरल रहिए, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अभी से ही ऐसे हैं कि आपको सक्सेस या मनी के बाद चेंज होना है, अभी से हो जाओ, ज़्यादा बेहतर है, इन चीज़ों के बाद में मत होना, ओके। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं दैनिक हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर। दोस्तों दैनिक हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको मालूम है दोस्तों, लखीमपुर खैरी के अंदर जो 8 लोगों की मृत्यु हुई उसी के बारे में यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों प्रियंका गांधी और बाकी जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, वो बताया गया है।
ओके वरुण गांधी ने दोस्तों ओपनली जो है वो सपोर्ट किया है, बोला है कि जो भी मुजरिम है उन सबको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों नोबेल का जो फिजिक्स का अवार्ड है वो मिल गया है, मैंने आपको बोला था आज केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, कल फिजिक्स का अनाउंसमेंट हो गया, परसों मेडिसिन का हुआ था, तो कल हमने मेडिसिन का किया, आज हम लोग फिजिक्स का करेंगे। 12 तारीख तक जो है वो सारे नोबेल अवार्ड का अनाउंसमेंट है जो कि हो जाएगा। मूडीज ने दोस्तों इंडिया की रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया, इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक और काफी कॉन्ट्रोवर्शियल केस हो गया है, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बोला है कि भैया कोई टू फिंगर टेस्ट है जो कि नहीं हुआ विक्टिम के ऊपर, रेप सर्वाइवर के ऊपर, तो इसके बारे में बात करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट न्यूज है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफी कुछ है जो कि आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे हाँ तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यूएस जापानी साइंटिस्ट, नाम आपको मैं इजी तरीके से याद करवाता हूं, ज्यादा सही रहेगा, कोशिश करिएगा जितना सिंगल वर्ड से याद कर सको क्योंकि वही आसान रहेगा आपके लिए। तो एक तो मनाबे, एक है हैसल, ओके, और एक है पेरिसी। ये तीन लोगों को क्या मिला है, नोबेल का फिजिक्स अवार्ड है जो कि मिला है। ठीक है गाइज, और यहां पे काम क्या किया है, क्लाइमेट मॉडल के ऊपर काम किया है, फिजिकल सिस्टम को समझने को लेकर है जो कि काम किया गया है। ठीक है, अभी आपको मालूम है कॉप 26 की जो है मीटिंग होने वाली है ग्लासगो के अंदर, उससे पहले ही जो है इस बार का जो फिजिक्स का अवार्ड मिला है दोस्तों वो बेसिकली क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। ओके, मनाबे जो है वो 90 साल के, काफी बुजुर्ग है एक्चुअली के अंदर, मनाबे और हैसल इन दोनों को तो हाफ प्राइज मिला है, इन दोनों को हाफ मिला है, दे विल शेयर द मनी, जो 10 मिलियन क्रोनर जो मिलते हैं ना उनको शेयर करेंगे। ओके, इन्होंने क्लाइमेट मॉडल के ऊपर काम किया है, जो 50% जो है वो पेरिसी के पास है, यानी कि अदर हाफ जो है वो पेरिसी के पास है। ओके, उसने क्या किया है, डिसऑर्डर के ऊपर जो फ्लक्चुएशन होता है फिजिकल सिस्टम में उसके ऊपर है जो कि काम किया है। ठीक है गाइस, तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, मनाबे, असल और पेरिसी, ये किससे, ये फिजिक्स के नोबेल अवार्ड से संबंधित है, पेपर में सवाल है जो कि आता है। ठीक है गाइस, अब देखिए फिजिक्स के नोबेल अवार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, पहली बात। ओके, जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं फिजिक्स की फील्ड में, लेकिन उससे इंसान का भला है जो कि कुछ होना चाहिए। ओके गाइस, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया 1895 में, पहली बार 1901 के अंदर दिया गया। ओके, इसके अलावा केमिस्ट्री, लिटरेचर, नोबेल पीस हो गया, मेडिसिन हो गया, है ना, इन सब के अंदर भी अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सबसे पहले जो है वो किसको मिला, फर्स्ट नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला था वो विलियम रॉन्गटन को मिला था, और इन्होंने दोस्तों डिस्कवरी करी थी किसकी, एक्सरे की, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ओके गाइस, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है दोस्तों जो कि माना जाता है नोबेल किसी भी कैटेगरी के अंदर। ओके, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता तो सर एबल प्राइज है, उसको एक तरीके से मैथमेटिक्स का नोबेल है जो कि माना जाता है। ओके गाइस, चलिए, और स्टॉकहोम के अंदर सेरेमनी होती है 10 दिसंबर को, मैंने आपको बताया था कि सारे सेरेमनी, सारे अवार्ड पीस के अलावा सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पीस वाला जो है वो नॉर्वे के ओस्लो में है जो कि दिया जाता है। ठीक है गाइस, जो नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की जो डेथ एनिवर्सरी है 10 तारीख को, उसी को मिलता है। 219 इंडिविजुअल को अभी तक ये अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए, आप यहां पे देख सकते हैं, ये थे दोस्तों रंगटन जिनको सबसे पहले मिला। ओके, 1901 के अंदर इसकी शुरुआत हुई, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और जॉन करके एक पर्सन है, उनको दो बार भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉन बार्डिन करके एक पर्सन है, उनको दो बार भी मिल चुका है, लोगों को एक बार नहीं मिलता, उसने दो बार मिल गया उसको, मतलब दो बार उसको मिल गया अपने काम के लिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया ना, मनाबे हो गए, हैसल हो गए और पेरिसी हो गए, इन तीनों को मिला है, और यहाँ पे जो मनाबे का और जो हैसल का जो मॉडल है वो किस चीज को लेकर है, दुनिया में सबसे पहले दोस्तों रेडिएशन बैलेंस को लेकर इन्होंने लोगों ने काम किया कि भाई अगर मान लीजिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है ना, तो कितनी जाती है, कितनी रहेगी। ओके, आपको मालूम है जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, वेपर क्या होता है, ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। देखो, हॉटर एयर जो होती है वो हमेशा लाइटर होती है, वो ऊपर चले जाती है, इसी वजह से तो एक जगह पे लो प्रेशर डेवलप होता है, जब जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां की हीट जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा जो है वो लाइट होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, कोल्ड वाली थोड़ी सी हैवियर होती है कंपैरेटिवली। ठीक है गाइस, तो कन्वेक्शन जो है प्रोसेस यही होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जब गर्मी होती है ना तो वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाता है, और आपको मालूम है वाटर वेपर जो है वो सबसे पावरफुल दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। ओके, जो कि मानी जाती है सबसे पावरफुल। ठीक है गाइस, तो इन्हीं के बारे में जो है इन्होंने पूरा स्टडी किया, इसी के बारे में सबसे पहले जो है वो इन्होंने ही बताया था और इसके ऊपर काम किया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, 5 सेकंड का टाइम है जो कि मैं आपको दूंगा और आपको बताना है इस 5 सेकंड के अंदर। ओके चलिए, बताइए सबसे पहला है
स्टेटमेंट, फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स में जो है वो रॉन्टन को मिला, ठीक है, रॉन्टगन को मिला, और हाँ मैरी क्यूरी और क्यूरी फैमिली का तो खैर वो तो खैर बहुत ही फेमस है, उनके बारे में तो क्या ही बात करें, है ना। और इनको जो ये मिला था दोस्तों, रॉन्टगन को ये अवार्ड मिला था एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विसेज के लिए, वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी करने के लिए मिला। ये दोनों में स्टेटमेंट्स में से बताइए कौन सा वाला सही है। 5 सेकंड का टाइम है जो कि आप लोगों के पास में है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, 5 सेकंड ही मिलेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है पहला वाला दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सही है। रॉन्टजेन को दोस्तों, रॉन्टजेन जो है उनको पहली बार रॉन्टजेन को इस अवार्ड से सम्मान किया गया, और आइसोटोप्स के लिए नहीं मिला था, ये स्टेटमेंट गलत है, इनको एक्सरे की डिस्कवरी के लिए रॉन्टजेन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला अवार्ड जो है वो रॉन्टजेन को मिला, लेकिन एक्सरे की डिस्कवरी के लिए मिला था। आज के बाद में जीवन में नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने या तो गलत या सही दोनों में से कुछ ना कुछ जो कि किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड था अपना फ्रंट पेज पे जो कि मूडी को लेके था, रेटिंग एजेंसी मूडी। देखो दुनिया में 3 सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कि बताती है कि भैया किसका क्या हालात है, कहां पर क्या हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट, क्या डेवलपमेंट, इन सबको लेकर, है ना, कितनी ग्रोथ है जो कि लोग करेंगे। प्राइवेटली अगर मैं बात करूं तो जिसमें एक तो हो गई आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर, पुअर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अमीर है लेकिन नाम है, एक हो गया आपका फिंच और तीसरा हो गया मूडी। तीनों के तीनों का ही हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, न्यू यॉर्क के अंदर है। तो मूडी ने दोस्तों जो हमारे लिए ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट करी हुई है वो 9.8 करी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022, पहले 11% थी, अभी उसको कम कर दिया था, ओके। और हमारी जो रेटिंग एजेंसी जो हमारे यहाँ पे जो इन्होंने रेटिंग दे रखी थी ना, वो नेगेटिव दे रखी थी, अभी उसको क्या किया गया है रेटिंग एजेंसी मूडी ने दोस्तों, इन्वेस्टर सर्विस ने हमारी अपग्रेड कर दी है सुवरियन रेटिंग, और हमको स्टेबल कैटेगरी में डाल दिया है। आपको मालूम है कि COVID-19 से दोस्तों हम लोग काफी हद तक रिकवरी कर रहे हैं अभी, हालांकि देश जो है वो 2-3 साल पीछे चला गया है, लेकिन हाँ जो प्री कोविड का जो लेवल था, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिर वो हमारे काम धंधे हो, है ना, वापस से 40 करोड़ के आसपास नौकरियां जो है वो रिस्टोर हो गई है जो पहले हुआ करती थी 2-3 साल पहले, ओके। तो वापस से इकोनॉमी जो है वो अब चल पड़ी है, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, नेगेटिव से उसको स्टेबल कैटेगरी के अंदर है जो कि डाल दिया। हालांकि अभी भी हमारी जो कैटेगरी है वो बहुत ही लो है, B AA3, ये वाली कैटेगरी है जो कि अभी भी है, जो कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो कि बताई जाती है, ठीक है गाइस। चलिए और है ना, इन्होंने 9.3 है 21-22 के लिए, इन्होंने 9.3% ग्रोथ है जो कि जीडीपी में एक्सपेक्ट करिए, 9.3 है, 9.8 नहीं है, ओके गाइस। मूडीज की बात करें, एनालिसिस पब्लिशिंग कंपनी, 1909 में फॉर्मेशन हुआ, ओके, 5,000 लोग है जो कि इसके काम करते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से इनकी रेटिंग होती है। अगर किसी कंट्री को मान लीजिए ए में मिलता है तो उसका मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी और लोवेस्ट क्रेडिट रिस्क, यानी कि क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, हाई क्वालिटी और वेरी लो रिस्क है, यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, ओके। बेस्ट एबिलिटी टू रिपे शॉर्ट टर्म डेबिट, और आपका उस कंट्री के पास में कैपेसिटी है कि वो अपना कर्जे को शॉर्ट टर्म के अंदर चुका देगा। इसके अलावा ये मीडियम है, और ये दोस्तों जो है वो नीचे वाली है, तो हमारी कौन सी है अभी BAA3 वाली कैटेगरी के अंदर हम लोग। यहाँ पे दोस्तों मॉडरेट रिस्क है जो कि माना जाता है, ठीक है, मीडियम ग्रेड है, इसके अंदर भी प्राइम 1, प्राइम 2, प्राइम 3 इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फीमेल ऑफिसर थी, उसने एक अपने मेल ऑफिसर जो है उसके ऊपर जो है वो रेप के चार्जेस जो कि लगाए थे, और ये बोला था कि अल्कोहल के नशे के अंदर जो है वो रेप है जो कि ये किया गया, और साथ में ये भी बोला गया था, एलिगेशन लगाए गए थे महिला के द्वारा कि एयरफोर्स ने क्या किया, एयरफोर्स के जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसने उनका 2 फिंगर टेस्ट है जो कि किया, जो कि आज के टाइम पे दोस्तों बैन है, ओके। तो उसके बाद में काफी कंट्रोवर्सी हो गई, और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उनको अपना स्टेटमेंट है जो कि जारी करना पड़ा। तो एक लेडी ऑफिसर जो कि कोयम्बतूर के अंदर है, ओके गाइस, और है ना, तो उन्होंने बोला कि एयरफोर्स की जो लॉ है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और 2 फिंगर टेस्ट जो है वो मिस रिपोर्ट के तहत है जो कि बताया गया है, ओके। FIR 20 सितंबर को दोस्तों लॉन्च करी गई थी, जिसमें कोयम्बतूर के अंदर एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है उन्हीं कलीग जो है उनके द्वारा इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल के अंदर यहाँ पे रेप है जो कि किया गया, और इंडियन एयरफोर्स का जो हॉस्पिटल है वहां पे 2 फिंगर टेस्ट है जो कि किया गया, ठीक है गाइस। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 2 फिंगर टेस्ट जो किसी भी रेप विक्टिम के ऊपर जो है वो बैन कर रखा है, ओके। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ, एक्चुअली होता क्या है, ये ऐसा क्यों करते हैं, या फिर ये देखो हमारे यहाँ पे क्या माइथोलॉजी या फिर जो होती है ना एक मिथ जो है ना वो बहुत ज्यादा चलते हैं, मिथ जो है वो बहुत ज्यादा लोगों में सर्कुलेट होते हैं, और उसका शिकार जो है वो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई ये एक तरीके से 2 फिंगर टेस्ट को वर्जिनिटी टेस्ट भी माना जाता है, ओके, वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए। तो एक्चुअली के अंदर होता क्या है कि वजाइनल जो एरिया होता है उसके थोड़ा सा पीछे जो है, ओके,
एक पेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं, एक लेयर होती है पेयर ऑफ टिश्यूज को, जिसको अपन हेमन कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली ये माना जाता है ना कि अगर वो हेमन ब्रेक हो जाती है तो यानी कि कोई भी महिला या कोई भी गर्ल वो वर्जिन नहीं है। ओके, अगर वो इंटैक्ट है ना, तो वर्जिन है जो कि माना जाता है, जो कि हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर कोई लड़की या कोई भी महिला अगर कोई साइकिलिंग करती है, फिजिकल एक्टिविटी करती है, अगर कोई रनिंग कर रही है, कोई भी स्पोर्ट्स में थोड़ी बहुत भी इन्वॉल्व है, तो ये जो पेयर ऑफ टिश्यूज है, इट इज जस्ट अ पेयर ऑफ टिश्यूज हेमन, है ना। ओके, तो ये नॉर्मली वैसे ही ब्रेक हो जाते हैं, तो इसमें वर्जिनिटी को होना या नहीं होना इससे कोई भी प्रूफ है जो कि नहीं होता। तो क्या होता था कि पहले के टाइम पे, आज से कई सालों पहले, कई सालों की मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रेप सर्वाइवर जो होती थी उसके डॉक्टर क्या करते थे, नॉर्मली टू फिंगर जो है वो टेस्ट किया करते थे और ये देखते थे कि क्या ये हेमन ब्रेक हुई है कि नहीं हुई है। हुई है इसका मतलब इंटरकोर्स हुआ है, और नहीं हुआ है, अगर वो इंटैक्ट है इसका मतलब नहीं हुआ है। तो बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही वाहियात तरीका है जो कि ये हुआ करता था। एक तो ऑलरेडी रेप सर्वाइवर है, उसने इतना ट्रॉमा झेला है, इतनी है ना, उसके बाद में आप इस तरीके से उनके साथ में बिहेव कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया, उसने दोस्तों राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ माना और गवर्नमेंट को बोला कि भाई बेटर मेडिकल प्रोसीजर जो है वो अपनाइए सेक्सुअल असॉल्ट को पता करने के लिए। ये तो बहुत ही वाहियात तरीका है मतलब, और ये कोई साइंटिफिक लाइन भी नहीं है, बहुत ही साइंटिफिकली भी बहुत ही ज्यादा गलत है। ओके गाइस, तो बेंच ऑफ जस्टिस यहाँ पे बी एस चौहान थे और खलीफुल्ला थे, उन्होंने दोस्तों रिपोर्ट बोला था कि टू फिंगर टेस्ट जो है ये बहुत ही अफर्मेटिव है और इससे कंसेंट होती है नहीं होती है इससे किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अनडाउटेबली बोला गया था कि ये वायलेशन करता है दोस्तों रेप सर्वाइवर की प्राइवेसी का, फिजिकल और मेंटल इंटीग्रिटी का और डिग्निटी का। इवन दोस्तों रिपोर्ट जो है वो बहुत ही अफर्मेटिव होती है, आप बोल नहीं सकते कि मतलब विद कंसेंट हुआ है सेक्स या विदाउट कंसेंट हुआ है, ये मतलब किसी भी तरीके से आप पता नहीं कर सकते, टू फिंगर टेस्ट है तो मतलब एटलीस्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कन्वेंशन है उसके तहत भी दोस्तों जजेस ने जो है वो बोल रखा है ये बात। ओके, कि ये है ना इंटरनेशनल ये टू फिंगर टेस्ट को लेकर कि ये वायलेशन है जो कि माना जाता है। तो इंटरनेशनल आप देख सकते हो कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स 1986 और यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस फॉर विक्टिम ऑफ क्राइम एंड अब्यूज 1985। एपेक्स कोर्ट ने ये भी बोला था कि भाई रेप सर्वाइवर जो है वो एंटाइटल्ड है लीगल रिकोर्स को लेकर। ओके, और वापस से उनको रीट्रॉमेटाइज है जो कि नहीं करना चाहिए, यानी कि जो इंसिडेंट उनके साथ हो चुका है उसको वापस से आप रिक्रिएट ना तो कोर्ट में कर सकते हो ना आप हॉस्पिटल में कर सकते हो। हालांकि मूवीज के अंदर दिखाते हैं दोस्तों कि बहुत ज्यादा इलैबोरेट किया जाता है, बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है जो कि किया जाता है, वापस से सीन क्रिएट किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअली के अंदर बैन है, आप वापस से उसको मेंटल ट्रॉमा नहीं दे सकते हो। ठीक है गाइज, और इसको लेकर वैसे कोर्ट जो है वो काफी स्ट्रिक्ट है, पहले की मूवीज में ऐसे दिखाया जाता था। ओके, हालांकि आज भी होता है, वकील तो देखो जितना कोशिश करेगा उतना, जितना ज्यादा वो पूछेगा उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि थोड़ा बहुत मिस्टेक जो है वो निकाल ले, तो इसलिए वो मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन इसी मैनर में जो है वो पुट करने की कोशिश है जो कि करते हैं। ठीक है गाइस, तो सेक्शन 155 जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर भी दोस्तों रेप विक्टिम के क्रेडिबिलिटी टू बी कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्राउंड दैट शी इज जनरली इमोरल कैरेक्टर। ओके, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कभी भी दोस्तों आप कोई अगर किसी का कैरेक्टर कैसा भी हो, चाहे वो पहले कोई बॉयफ्रेंड हो नहीं हो, डजंट मैटर एट ऑल, इससे किसी को राइट नहीं मिल जाता कि वो रेप करे, तो कभी भी जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी भी ग्राउंड पर नहीं कर सकते इमोरल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ओके, रेप विक्टिम के ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है जो कि कोर्ट हमारे संविधान के अंदर है जो कि लिखी गई है। ओके गाइस, इसके अलावा अगर आप और कोई अच्छी किताबें पढ़ोगे, जैसे कि एक फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टेक्सोलॉजी है पारिक की किताब, उसके अंदर भी क्लियर है ना, और कि रेप के केस के अंदर कंप्लीट पेनिट्रेशन जरूरी नहीं होता है ना, बस रैप्चर ऑफ हिमन या कंप्लीट पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। ओके गाइज, ये तो पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक एक्ट जो है वही बहुत होता है ना, पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है रेप को कंफर्म करने के लिए। ठीक है गाइज, चलिए, और सेक्शन 375 आप सभी को मालूम ही है, और अभी एक मूवी भी आई थी सेक्शन 375 है ना रेप के ऊपर, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है ना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी मूवी थी, देखना। तो हमेशा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लॉ के अंदर जो है वो 6 पॉइंट है जो कि दे रखे हैं, 7 पॉइंट है जो कि दे रखे हैं, और उसी में से जो है रेप की डेफिनेशन है जो कि निकल के आती है, जैसे कि अगेंस्ट द विल ऑफ द वुमेन, अगर किसी के विल के खिलाफ सेक्स किया गया है, उसके कंसेंट के बिना किया गया है, अगर उसको डेथ थ्रेट देकर सेक्स इंटरकोर्स किया गया है। ओके, या फिर कोई ऐसा होता है कि गांव में पहले क्या होता, लाइट नहीं आती थी तो पता नहीं चलता था कि भाई कौन हस्बैंड है कौन है, और दूसरा कोई आके जो है वो सेक्स करके चला गया, तो वो भी रेप के अंदर जो कि माना जाता है। तो अगर
विदाउट प्रिटेंडिंग, अगर किसी ने प्रिटेंड करके जो है वो हो गया तो भी जो है ये माना जाता। तो ये एक्चुअली के अंदर पहले क्या लाइटें वाइटें नहीं होती थी गाँव के अंदर, तो इसलिए इस फोर्थ पॉइंट को जो है वो डाला गया था। ठीक है, अगर कोई इंटॉक्सिकेशन के अंदर है, कोई अल्कोहल के उसमें है, अनसाउंड माइंड है, तो उस केस के अंदर भी माना जाता है। ठीक है, और 16 ईयर जो है अगर वो कंसेंट दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। ओके, और कम्युनिकेट भी अगर वो नहीं कर पा रही है किसी तरीके से अपने कंसेंट को, तो भी दोस्तों रेप है जो कि माना जाता है। तो ये 7 पॉइंट है, इसके हिसाब से दोस्तों डेफिनेशन है जो कि मानी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, बड़ी हंसी आ रही है यार, क्या बात है। हाँ भाई, ये रियलिटी है यार, आपको पता नहीं है, मतलब गाँव में इलेक्ट्रिसिटी तो अब आना चालू हुई है पिछले कितने 20-30 सालों से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है ना। उससे पहले तो गाँव के अंदर लोग जो है वो घरों के बाहर ही जो है वो सोया करते थे, है ना। रामलाल की जगह श्यामलाल आ गया, श्यामलाल की जगह कोई चन्ना राम आ गया ऐसे पता नहीं सुबह पता लगता था अरे ये क्या हो, मतलब तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस है जो कि हुआ करते थे पहले के टाइम पे। चलिए ठीक है गाइस, अब देख सकते हो आप सेक्शन 155 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, है ना, डज नॉट अलाउ अ रेप विक्टिम क्रेडिबिलिटी टू बी कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्राउंड दैट शी इज अ जनरली इमोरल कैरेक्टर। पहला स्टेटमेंट, रेप सेक्शन 365 ऑफ द आईपीसी, विदाउट कंसेंट, लेकिन किसी ने अपनी विल जो है वो दे दी है तो क्या उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। ये 3 स्टेटमेंट है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए ठीक है, ऑल राइट, देखो यहां पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 155 बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है, 375 होगा यहां पे। और दोस्तों विल और कंसेंट, ठीक है, दोनों ही जो है अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो इट विल बी कंसिडर एज अ रेप। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, 1 आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 दोस्तों। पेज नंबर 10 की बात करें तो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर है ओके, वो इंडिया के अंदर है जो कि आने वाली है। क्लाइमेट चेंज दोस्तों उनका टॉप एजेंडा है जो कि यहां पे बताया गया है। ओके, फ्रेडरिकसन, तो क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन जो है वो टॉप एजेंडा होगा। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर है मीटे उनका और इंडिया में विजिट करने वाली है। ओके, और फरवरी 2020 के बाद में कोई फर्स्ट टाइम है जो कि दोनों के बीच में इस तरीके से मुलाकात होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मोदी जी ने दोस्तों सबमिट किया था, है ना, 2020 सितंबर के अंदर। तो फर्स्ट ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करी जा रही है। दोनों देश जो है इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्लाइमेट पोजीशन के ऊपर, ओके, और कार्बन इमिशन के रिडक्शन के ऊपर, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। COP26 की यूएन समिट जो है वो भी ग्लासगो के अंदर नवंबर के अंदर जो कि होगी, उससे पहले ही दोस्तों दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, क्लाइमेट के ऊपर बात है जो कि करने वाले हैं। डेनमार्क और स्कैंडिनेवियन कंट्री दोस्तों बहुत आगे है, है ना, वो लोग मतलब दुनिया से 50 साल आगे चलते हैं, डेवलपिंग कंट्री से 100 साल आगे चलते हैं। हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में 50 साल बाद सोचेंगे, ये लोग अभी से इनका प्राइम एजेंडा एनवायरनमेंट है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ पे जो प्राइम एजेंडा तो बहुत सारे रिलीजन, कास्टिज्म, रिजर्वेशन, है ना, उसके बाद बच गए उसकी, ये तो 3 जो है लड़ाने वाले मुद्दे पॉलिटिक्स वाले। उसके बाद जो रियल इश्यूज है वो है जॉब, ओके, जेंडर इक्वलिटी, है ना, माल न्यूट्रिशन, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये हमारे सेकंड वाले जो मेन इश्यूज है जिसके ऊपर देश में कोई बात नहीं करता। उसके बाद आता है दोस्तों क्लाइमेट, समझ गए। तो इन चीज़ों से उभरने के बाद हमें पता नहीं हम लोग कब जाके बात करेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है और हमें अभी से ही जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोनों कंट्री जो है इसी के ऊपर है जो कि काम करने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों तमिलनाडु जो है ना, यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट के लिए बोला था, एक एनर्जी आइलैंड है तमिलनाडु के गल्फ ऑफ मन्नार में, जहां पे 4-10 गीगावाट का विंड पावर एनर्जी प्रोजेक्ट है जो कि डेनमार्क के साथ में लगाया जाना है। ठीक है, 5-10 बिलियन डॉलर का दोस्तों ये टोटल प्रोजेक्ट है जो कि तमिलनाडु के सीएम के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर ही हमें काफी हेल्प है जो कि कर सकते हैं। ठीक है, इस डेनमार्क की बात करें तो आप देख सकते हो, ओके, ये भी डेनमार्क है, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, मालूम है ना। ठीक है, और फॉरे आइलैंड हो गया, वो भी उसी का पार्ट है, छोटा सा आइलैंड से ही, देखो यहाँ पे छोटे से आइलैंड से। ओके, कोपेनहेगन दोस्तों इनकी कैपिटल है। और ठीक है, इसके अलावा मीटे मैंने आपको बताया दिया प्राइम मिनिस्टर है। ओके, फॉकटिंग जो है इनकी पार्लियामेंट का नाम है, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन दोस्तों कोई खास पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 60 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। ओके, पर कैपिटल इनकम $50,000 पर पर्सन पर ईयर है। ओके, 63,000 नॉमिनल दोस्तों इनकी ज़्यादा है, मतलब 63,000 SGI के अंदर दोस्तों बिल्कुल 100 को भी पार करते हुए निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। और क्रोन, डेनिश क्रोन है जो कि इनकी कैपिटल है।
ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। देखो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि किसी जमाने के अंदर दोस्तों जब बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की हो गई, डेनिश की हो गई, डेनमार्क की हो गई, नॉर्वे की, ये सारी कंपनियों ने दोस्तों इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ऑक्यूपाई करना चालू कर लिया था एरिया, क्योंकि इंडिया जो है आपको मालूम है एक जमाने में 30% तक का ग्लोबल ट्रेड है जो कि मुगलों के टाइम पे किया करता था। तो सबने आपस में लड़ाई और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे चैंपियन बनी और देश पे दोस्तों 200 साल तक उन्होंने रूल किया और हमको कॉलोनी है जो कि बना लिया। ठीक है, तो तमिलनाडु के अंदर एक ट्रंक्यूबार करके एक एरिया, एक टाउन है तमिलनाडु के अंदर, वो किसी जमाने में डेनिश कॉलोनी है जो कि हुआ करती है डेनमार्क की। ये 1620 से लेकर 1845 तक रही, समझ गए मेरी बात, डेनिश के पास में थी। उसके बाद में इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, डेनिश सेटलमेंट को बेच दिया था ग्रेट ब्रिटेन को 1845 के अंदर। ये सब कुछ बेच बात के चले गए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन ये लोग नहीं कर पा रहे थे। वैसे निकोबार आइलैंड है, ये भी दोस्तों डेनमार्क के द्वारा कॉलोनाइज कर दिया गया था, इन्होंने ब्रिटिश को बेच दिया 1868 के अंदर। और 80 इंडिपेंडेंस के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों डेनमार्क विजिट किया 57 में और दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन की नींव है जो कि रखी। उसके बाद से हमारे दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है जो कि माने जाते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग मेजरली जो है वो एनर्जी के ऊपर और ये सब अपने क्लाइमेट के ऊपर, इन सब के ऊपर है जो कि अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यार क्या अजीब बात है, मतलब कंट्री हमारा बेच ये रहे, खरीद कोई और रहा है और कंट्री हमारा है, मतलब कितनी अजीब बात है। मालूम है ना आपको, पोर्चुगीज पे भी ऐसा हुआ था, बॉम्बे को पोर्चुगीज वालों ने ब्रिटिश को दहेज में दे दिया था। अरे मतलब ये क्या हो रहा है भाई, हमारा बॉम्बे को तुम दहेज में दे रहे हो, मतलब। चलो आगे बात करते हैं, पेज नंबर 12 की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, अडानी को दोस्तों 3 एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही सस्ते दामों पर दे दिए गए। यहाँ पे जो एयरपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने दोस्तों मोदी जी को लेटर लिखा है और बोला है कि भाई 1300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो आपने मात्र 350-400 करोड़ रुपए के अंदर है जो कि सल्टा दी अडानी को, तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ काम करने के लिए बोला है। मोदी जी के पास लेटर जाएगा, मोदी जी बोलेंगे येल्लो। ठीक है, इस लेटर को यहीं के यहीं दबा दो। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत जो हमारे आयुष्मान भारत के बारे में बात करेंगे तो हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर द आयुष्मान भारत रिवाइज, तो दोस्तों जो हेल्थ बेनिफिट थे आयुष्मान भारत के अंदर उनको रिवाइज है जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो 400 जो प्रोसीजर की जो रेट थी ना उनको चेंज किया गया है और इसके अंदर ब्लैक फंगस को भी दोस्तों इंक्लूड कर लिया गया क्योंकि अभी रिसेंटली ये ब्लैक फंगस है जो कि देखने को मिला, ब्लैक व्हाइट येल्लो पता नहीं कौन कौन से फंगस है जो कि आ गए थे। अभी हमने पढ़ा था डिटेल के अंदर जब कोविड के बारे में टाइम पे बात चल रही थी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि अपेक्स बॉडी है दोस्तों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको PMJ कहते हैं, इसको आप आयुष्मान भारत बोल लो, इसको आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य बोल लो, इसको आप मोदी केयर बोल लो, जैसे कि ओबामा केयर था उसी तरीके से जो बोलना है। तो इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट पैकेज को क्या किया गया, वापस से रिवाइज किया गया, 20% से लेकर 400% तक की जो इनका रेट है इंक्रीज करी गई है। और इसके अंदर ब्लैक फंगस को भी एड ऑन है जो कि किया गया है। और नवंबर इस साल से दोस्तों 2.2 जो ये स्कीम है आयुष्मान भारत की, इसको रिलॉन्च है जो कि किया जाएगा हमारे मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर है उनके द्वारा। ठीक है गाइस, इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे खास है जो कि नहीं है, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स है उनको भी इंश्योरेंस है जो कि अवेलेबल करवाए जाने के लिए बोला है। ठीक है गाइस, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर डेथ हो जाती है कोविड से या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है दोस्तों कोविड-19 से रिलेटेड ऑन ड्यूटी के ऊपर, तो उनको ये इंश्योरेंस है जो कि मिलेगा। ओके गाइस, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके अंदर क्या होता है, फ्री कवरेज होता है 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। ओके गाइस, यानी कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, या मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है इसके अंदर, तो आपको 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली का इसमें हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हो। बहुत अच्छी योजना है वैसे ये। आई रियली अप्रिशिएट दिस स्कीम बिकॉज आज के टाइम पे आपको मालूम है इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग क्राउड फंडिंग भी करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये देखने को मिलती है कि बहुत लोगों में अवेयरनेस नहीं है। गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पेरेंट्स का जो है ये, अगर आप अपनी फैमिली का आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो बनवा के रखो, थोड़ी मेहनत लगेगी, हो सकता है एक दो दिन खराब हो जाए, लेकिन बनवा लो यार, क्या होगा कल को कोई प्रॉब्लम होगी या तो आपके जो है पैसे नहीं लगेंगे, मतलब 5 लाख रुपए बहुत अच्छे खासा अमाउंट होता है जिसके अंदर आपके काफी पैसे बच सकते हैं, समझ रहे हो, और काफी सारे ऑलमोस्ट सारे डिजीजे जो कि इसके अंदर कवर है जो कि कर रखे।
तो आप लोगों को बनवाना चाहिए इसका, अपने आप को एनरोल करना चाहिए। और अगर आप इसके क्राइटेरिया में नहीं भी आते हो, इनकेस आयुष्मान भारत में मान लो नहीं बन पा रहा है, तो आप SBI या कोई भी PNB प्राइवेट बैंक में, पब्लिक बैंक में जाके भी 200-250 रुपये का एक हेल्थ स्कीम होती है, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद में भी आपको काफ़ी इंश्योरेंस अमाउंट है जो कि मिल जाता है मेडिकल के टाइम पे। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, रोहित बोल रहा है कि सर सब कुछ झूठ है, इससे नहीं करते हैं इलाज। देखो यार, ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आयुष्मान भारत ना तो कार्ड बनवाया, मेरा ऑलरेडी मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा था, पहले से करवा रखा था, और ना मैंने यूज़ किया, लेकिन स्कीम बहुत अच्छी है। अब ग्राउंड के ऊपर क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है वो मेरे को इसका बारे में आइडिया नहीं है, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर है जो कि बता सकते हो। ठीक है, 74 करोड़ जो बेनिफिशरीज है, फैमिलीज है, ओके, जो 50 करोड़ भारतीय सिटीजन को दोस्तों अवेलेबल करवाने के लिए बोला गया है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से 80% जो लोग हैं जो कि इसके अंदर रूरल और सब अर्बन एरिया से बताए गए हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों इसमें फैमिली साइज, एज या फिर जेंडर की। ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे डे वन से लेके जो है ना आपके जितने भी डिजीज है वो सारे के सारे कवर है जो कि किए जाते हैं। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है वो इसके अंदर कवर है जो कि करे जाते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम, प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो सरकार से पैसा लेंगे मतलब, तो वो तो कर देंगे वैसे इलाज, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फंडिंग जो पैटर्न है वो 60-40 का है, 60 जो देगा सेंट्रल और 40 देगा स्टेट, तो मतलब 40% स्टेट दे रहा है वैसे इसके अंदर पैसे, है ना, लेकिन पोस्टर किसी भी स्टेट का नहीं, सिर्फ मोदी जी का नजर आएगा सब जगह। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा 90-10 है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के लिए और 3 हिमाचल स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए 100% फंडिंग है जो कि दी जाएगी। ओके गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, और इसमें एडिशनल जो पैसा आता है वो हेल्थ और एजुकेशन सेस के थ्रू आता है ना, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन फंडिंग फ्रॉम द स्टेट टू बूस्ट द सेंट्रल एलोकेशन। और 1000 से 1200 रुपए का पर एनम का देख सकते हो आप दोस्तों प्रीमियम है। ओके, तो ये भी आप लोग करवा सकते हो, करवाना चाहो तो। चलिए ठीक है गाइज, और इसमें क्या वेलनेस सेंटर भी बनाए गए, बोला गया है सरकार के द्वारा कि 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बनाएंगे जहां पे आपके मेजॉरिटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग है, मेंटल हेल्थ है ना, आई केयर है, ये सारे फैसिलिटी आपको वेलनेस सेंटर के अंदर है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये सब सुविधा देने के लिए बोला गया। आप देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम है जिसमें आपको 3 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का हेल्प है जो कि दी जा रही है। सेकंड है दोस्तों, फंडिंग जो है स्कीम की वो 50-50 है स्टेट और यूटीज के लिए। तीसरा है कि 1500 से 2000 रुपए का प्रीमियम है जो कि इसमें होता है। बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 5 सेकंड का आप लोगों के पास में टाइम है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज, तीनों ही दोस्तों गलत है। कौन कौन सी गलत है? पहले तो 3 का होगा 5 लाख, उसके बाद 50-50 का होगा 60-40, और तीसरा 1500 के बजाय होगा 1000 से 1200 रुपए। समझ गए मेरी बात? तो तीनों ही गलत है और ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, अगला पेज अपना पेज नंबर 14। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग बात करेंगे, पहली मूवी दोस्तों जो कि स्पेस में जो है वो शूट करी गई है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी, बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, लेकिन वो स्पेस में शूट नहीं करी गई थी, वो आपके स्टूडियो में शूट करी गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हो गया कि देखो चांद पे कदम रखने में दोस्तों रशिया जो है वो पीछे छूट गया, अमेरिका ने जल्दी जल्दी काम किया और पहले ही जो है उसने लॉन्चिंग कर दी, लेकिन इस बार दोस्तों मूवी के केस के अंदर फर्स्ट मूवी जो कि स्पेस में शूट करी जाएगी उसमें रशिया आगे निकल गया। हालांकि दोस्तों टॉम क्रूज और कई लोगों ने जो है नासा स्पेसएक्स ने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग ISS के ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मूवी शूट करेंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया और इतने के अंदर दोस्तों रशिया ने क्या किया, अपना काम धमाधम किया और इन्होंने शूट के लिए भेज दिया। तो रशियन एक्टर और डायरेक्टर दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं और फर्स्ट मूवी ऑर्बिट के अंदर है जो कि शूट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले मिशन इम्पॉसिबल मूवी जो है ना टॉम क्रूज, उनके द्वारा भी दोस्तों इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। ओके, ये देख सकते हो आप दोस्तों फ्रॉम लेफ्ट, ये एक्टर है यूलिया, ओके, ये कॉस्मोनॉट है एंटोन और ये डायरेक्टर है क्लिम। तो ये तीनों जो है यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि पहुंच गए। सोयूज MS-19 से दोस्तों इन्होंने स्पेसशिप से पहुंचे, 12 दिन का मिशन है और वहां पे शूटिंग है। उसकी मूवी का नाम है द चैलेंज मूवी नाम है। ओके, इसकी शूटिंग है जो कि ये लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करूं तो मल्टीनेशनल दोस्तों कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें कई सारे
एजेंसीज ने मिलकर इसको बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जैसे कि नासा हो गया, रशिया का रॉस्कोमोस हो गया, जापान का जक्सा हो गया, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा का CSA। तो ये सारे 5 एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है। ओनरशिप जो स्पेस स्टेशन की है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी और एग्रीमेंट के ऊपर है जो कि चलती है, सब लोग इसको काम में ले सकते हैं। मेजरली ये तो लेते ही हैं, वैसे तो क्या मेजरली ये लोग रहते हैं, ओके, और बाकी भी लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, स्पेस एनवायरनमेंट के ऊपर, रिसर्च लैबोरेटरी दोस्तों यहाँ पे, साइंटिफिक लाइन के ऊपर काम करना है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी हेल्प है जो कि आपको स्पेस में जो भी काम करना है यहाँ पे जाइए काम करिए। लाइब्रेरी है एक तरीके से, पढ़ाई करते हो ना लाइब्रेरी जाके, वैसे स्पेस का कुछ काम करना है तो यहाँ पे जाके करो, ओके। एस्ट्रोनॉमी और आपका मीटियोर्स के बारे में, एस्ट्रोबायोलॉजी, सबके ऊपर दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग लेबोरेटरी काम है जो कि किया गया। इनफैक्ट दोस्तों हमारे मून और मार्स के मिशन के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है, ओके। 7 लोग दोस्तों फुल्ली क्रूड है, करंटली 10 है इसके ऊपर, और 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 422 किलोमीटर ऊपर की तरफ है जो कि आपको देखने को मिलेगा, और ठीक है बाकी तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ठीक है। आगे बात करें पेज नंबर 16 की दोस्तों, तो यहाँ पे एक तो स्पोर्ट्स की बात करें, राजस्थान रॉयल IPL से बाहर हो गई, पता ही था वैसे होनी है, पता नहीं वहां तक भी कैसे पहुंच गई, बहुत ही खराब बकवास परफॉर्मेंस रहती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों नाम्या को लेकर, तो 14 साल की बच्ची है नाम्या दोस्तों, नाम्या कपूर, ओके, और इन्होंने इंटरनेशनली दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल है जो कि जीत लिया, ओके गाइज। तो यहाँ पे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि पेरू के अंदर लीमा जो उसकी कैपिटल है वहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा था, जूनियर वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहाँ पे गोल्ड मेडल है जिन्होंने दोस्तों इन्होंने हासिल किया है, ठीक है गाइज। चलिए, और फ्रांस के एक प्लेयर है उसको इन्होंने बीट, उसको इन्होंने हरा दिया, ओके। इनफैक्ट मतलब मनु भाकर जो है ना उनको भी हरा दिया, मनु भाकर तो आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक प्लेयर है, उनको भी दोस्तों इन्होंने बीट कर दिया है, ठीक है गाइज। चलिए तो बहुत ही जबरदस्त बात यार, और फाइनल के अंदर ऐश्वर्या प्रताप सिंह है, इन्होंने भी दोस्तों एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि फाइनल में बनाया है, तो अभी देखते हैं इनका फाइनल टूर्नामेंट बाकी है। चलिए ठीक है, आगे बात करें इंडियन एक्सप्रेस की दोस्तों, तो यहाँ पे अभी कितने 2-3 दिन हो चुके हैं, शायद 2 दिन हो चुके हैं अभी तक लखीमपुर वाले केस को, लेकिन कोई भी अरेस्ट है जो कि अभी तक नहीं हुआ, मतलब और टिकैत ने 7 दिन का टाइम है जो कि दिया, मतलब वीडियो भी आ चुका है यार, अब तो अरेस्ट कर लेना चाहिए मतलब पुलिस को, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मोदी जी लखनऊ में भी थे, मोदी जी ने एक वर्ड है जो कि नहीं बोला, बहुत ही अजीब बात है, मतलब लखनऊ के अंदर वहाँ पे बढ़िया तारीफ हो रही है सरकार की, लेकिन जो इवेंट हुआ है उसको लेकर एक वर्ड नहीं बोला, किसी को सांत्वना, किसी को भाई कि हम लोग करेंगे, जो कल्प्रेट है उसको सजा देंगे, कुछ तो मतलब बोलना चाहिए यार, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि एयरटेल को लेकर है, तो एयरटेल होल्ड इंडियाज फर्स्ट रूरल 5G ट्रायल विद एरिक्सन, ओके गाइस। तो 5G नेटवर्क ट्रायल है जो कि पार्टनरशिप में एरिक्सन के साथ में रूरल लैंडस्केप के ऊपर कर रहा है एयरटेल भारती, तो आपसे पूछेंगे एयरटेल भारती किसके साथ में कर रहा है, तो एरिक्सन के साथ में कर रहा है। 100 Mbps दोस्तों उसका टारगेट है जो कि 5G के तहत किया जा रहा है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है जो कि ये साइट से दिया जा रहा है, और 100 Mbps का ट्रायल है जो कि इन्होंने किया है, ओके गाइस। चलिए ठीक है, 10 जहां पे साइट है ना उससे 10 किलोमीटर दूर की कनेक्टिविटी है जो कि ये लोग मेजर कर रहे हैं, है ना। और चलिए ठीक है, इसके अलावा तो कुछ खास और इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतनी ही बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जो कि है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, देखिए गाइस अगर आप लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, फ्यूचर साइंस अगर आपको पसंद है, अगर आपको लगता है कि यार आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं बने हैं, और अगर आपके पास में टाइम है, ओके, सोच समझ के फैसला लीजिएगा, जो भी आप लोग 100% अपना फोर्स लगाना होता है कोई भी फैसले के पीछे, फैसला ले लिया तो फिर लग जाओ उसके ऊपर 100%, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को ये समस्या है कि अगर आपको कोई साइंस पसंद है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है जो कि ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी आज के टाइम पे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आ चुके हैं जो कि आपको सिखा रहे हैं। आप देखिए 2025 तक दोस्तों ये जो मार्केट है ना इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये नियर बाय $8 billion का है जो कि बन जाएगा, यानी कि हजारों लाखों लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, समझ गए मेरी बात। इनफैक्ट आप देख सकते हो मतलब ओके बायजू से लेकर US, UK, इंडिया के अंदर बहुत सारी हायरिंग, और ये बायजू के साथ में न्यूज आई थी इसलिए मैंने कवर कर दिया, अदरवाइज बायजू की बात नहीं है, मतलब जितने भी इंडिया के अनअकैडमी से लेकर जितने भी टॉप स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी, सब जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आने वाले टाइम पर चाहिए होंगे, तो आप लोग सीख सकते हैं। अपना ये भी कर सकते हो कि आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के अपनी पढ़ाई में से आप अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीख लो, फिर आपके पास में 2 ऑप्शन हो जाएंगे, आपको लगे जिसमें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को स्किल बनाने की कोशिश करो, मतलब है ना, कोई मेरे को बोलता है ना कि सर जॉब चाहिए, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है एक PPT बना के भेजो अच्छी सी, मतलब अच्छी सी एक PPT तक लोगों से नहीं बनती है, तो जॉब कैसे मिलेगी आप ये सोचिए,
मतलब प्राइवेट जॉब जो मिलती है वो हाईली एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परसेंटेज पे डिपेंड नहीं करता कि आपको आता क्या है। मतलब लोगों को पीपीटी तक बनानी नहीं आती, एक छोटा सा एडिटिंग करनी नहीं आती है, मतलब गूगल ट्रांसलेट तक ढंग से काम में लेना नहीं आता, कैसे आप जो है अपने आप को जॉब के एलिजिबल बनाओगे? बहुत ही छोटे छोटे से काम है, कभी भी एक महीने में भी सीख सकते हो आप। ओके चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक और बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया में काफ़ी फेमस हो गई है। फेसबुक की दोस्तों एक और वर्कर थी जो कि उनके प्रोडक्ट के ऊपर काम करती थी, प्रोडक्ट मैनेजर है फ्रांसिस, उन्होंने दोस्तों जो यूएस की जो पार्लियामेंट है उनके सामने दोस्तों विसल ब्लोअर के तौर पे आके, जो कांग्रेस है वहाँ की, उसके आके दोस्तों कई सारे खुलासे हैं जो कि फेसबुक के बारे में करें कि फेसबुक को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, ये लोगों को हार्म जो है इसकी टेक्नोलॉजी हार्म कर रही है, बच्चों को लेकर जो यंग गर्ल्स है यंग बॉयज है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान है जो कि कर रही है। ओके इनको के पास में सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट है लेकिन फिर भी ये यूज़ नहीं करते और इनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेशन से मतलब है। तो फेसबुक इज सेट टू टेक अनदर पाउंडिंग इन कांग्रेस ऑन ट्यूजडे, विसल ब्लोअर दोस्तों और 10 of thousands ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट जो है वो लॉ मेकर्स को बताएं कि किस तरीके से कंपनी हायर प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है। ओके और यूजर की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ठीक है। तो सीक्रेट जो है इन्होंने कई सारे रिवील है जो कि यहाँ पे करे हैं कि किस तरीके से ये अपने एल्गोरिथम को रखता है, ऑपरेशन को रखता है। फेसबुक के बारे में सिर्फ फेसबुक को ही पता है, इसके अलावा किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो इन्होंने रिवील किया मतलब, और डॉक्यूमेंट भी जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल जो न्यूज़पेपर है ना उनको अवेलेबल करवाए, इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल करवाई है किस तरीके से इंस्टाग्राम जो है वो हार्म कर रहा है टीन गर्ल्स को, ये सब है जो कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से इसके ऊपर एक्ट करेगा। इनके जो सेंसिबल रूल्स है स्टैंडर्ड है जो कि बनाए गए थे लेकिन ये उनको फॉलो नहीं करते, इलीगल कंटेंट, डेटा प्रोटेक्शन, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, एल्गोरिथम सिस्टम, इन सब के गलत प्रैक्टिसेस के अंदर फेसबुक है जो कि इन्वॉल्व है। ओके गाइज तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। जैसे ही दोस्तों फेसबुक के ऊपर कल के दिन काम नहीं किया, लोगों ने जो है फ्लॉग सिग्नल ये सब जो है वो डाउनलोड करना चालू कर दिया। ओके मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं प्रधानमंत्री होता यूएस या इंडिया का कहीं का भी, तो मैं एक सिंपल रूल है जो कि अप्लाई कर देता, डजंट मैटर दोस्तों क्या इससे कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सिटीजन जो है वो देश के दुनिया के सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। एक फिक्स कर देना चाहिए कि आधे घंटा सोशल मीडिया बात खत्म है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक ये जितने भी है ना ये जो स्क्रॉलिंग पे चलते रहते हैं, मैक्सिमम आधे घंटा ही नहीं, एक फ़ोन के अंदर आधे घंटे ज़्यादा चलेगा ही नहीं है, बात ही खत्म। अब आप चाहे आधे घंटे के अंदर चाहे जो मर्जी चाहे वो चलाओ, ओके फेसबुक चलाओ इंस्टाग्राम चलाओ सिग्नल चलाओ जो चलाना चलाओ, लेकिन आधे घंटे के बाद में एक फ़ोन के अंदर सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाएगा, है ना, बेस्ट है, मतलब काम ही खत्म। लोगों के मेंटल हेल्थ, दुनिया क्या कर रही है, क्या कहाँ जा रही है, लोग ये सोच सोच के डिप्रेस है, मतलब समझ रहे हो, तो ये बहुत ही गलत तरीका है और ये सोशल मीडिया से देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। 800 इंडियन पीस कीपर को दोस्तों डिप्लॉय किया गया था यूएन के मिशन के अंदर साउथ सुडान में, उनको दोस्तों यूएन मेडल से जो है वो ऑनर किया गया है। आपको मालूम है यूएन का जो मिशन है साउथ सुडान, वहां पे हमारे 800 जवान है जो कि काम कर रहे थे, तो उनकी जबरदस्त सर्विस के लिए उनको दोस्तों यूएन मेडल है जो कि उनकी सर्विस के लिए दिया गया है, ठीक है गाइस। 836 पीस कीपर इंडिया से थे जिसको रिसेंटली ऑनर है जो कि यहाँ पे किया गया है। ओके गाइस आप देख सकते हैं, ओके यूएन की जो पीस कीपिंग है ना, पीस कीपिंग फोर्सेज 1948 के अंदर है जो कि बनाई गई थी। यहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास पैसा है वो पैसा दे देता है, जैसे कि चाइना अमेरिका यूके ये लोग अपने जवान नहीं देते, ये पैसा देते हैं। जो इनके पास पैसा नहीं है वो अपने जवान देते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है ना, ये लोग अपने और बाकी भी देश देते हैं लेकिन वो कम कम देते हैं। हमारे मेजरली है, हमारा इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान मैक्सिमम जो है वो इनके अंदर इनपुट है जो कि पीस कीपिंग फोर्सेज में देते हैं। तो फर्स्ट मिशन जो है हुआ था दोस्तों, ओके और 1948 के अंदर अरब इसराइल वॉर के अंदर किया गया, पीस वहाँ पर सीज फायर किया गया। तीन बेसिक प्रिंसिपल पर चलता है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इम्पार्शलिटी एंड द नॉन यूज ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस। ओके तो ये फोर्स का यूज नहीं करते, बस सेल्फ डिफेंस में ही है जो कि करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन के द्वारा इसको लीड है जो कि किया जाता है। करंटली दोस्तों 17 यूएन के पीस ऑपरेशन है जो कि 4 कॉन्टिनेंट के अंदर हो चुके हैं और बहुत अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से दोस्तों पीस कीपर आते हैं, अलग अलग देशों के आते हैं, साथ में एक्सरसाइज करते हैं और साथ में जो है लड़ते हैं। इनको ब्लू बैरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स भी जो है वो कहा जाता है क्योंकि उनका जो कलर होता है ना ब्लू हेलमेट का वो थोड़ा ब्लू कलर का होता है। ओके नोबेल पीस प्राइज भी इनको 1988 के अंदर है जो कि मिला था। चलिए और यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो पावर देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ओके कि वो क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयमेंट है जो कि पीस कीपिंग फोर्सेस का कर सकते हैं। इंडिया की बात करें दोस्तों तो लार्जेस्ट कम्युनिटी ट्रूप है जो कि हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी और पीस के लिए दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर। अभी तक हम लोग आप देख सकते हैं 200,000 ट्रूप नियर बाय 50 मिशन जो कि 71 यूएन के मिशन में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पिछले 60 सालों में,
जिसमें 16 में से करंटली 13 में तो हम लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके गाइज, और लास्ट ईयर भी हमने 7,500 हमारे जवान है जो कि डिप्लॉय करे थे। ओके, अभी तक हमारे दोस्तों 163 जवान इसमें अपने शहीद भी हो चुके हैं और 1948 के बाद में किसी भी देश में सबसे मैक्सिमम है जो कि हमारे हुए हैं। ठीक है गाइज, करंटली जो है वो 6,700 के आसपास है जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। 4th हाइएस्ट है अमंग द ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए, और सबसे ज्यादा महिलाएं भी दोस्तों पीस कीपिंग फोर्सेज में हमने ही भेजी है। पहला कंट्री था इंडिया 2007 में जिन्होंने ऑल वुमेन कंटिजेंट जो है वो यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भेजा था। ठीक है, चलिए, ये साउथ सुडान है दोस्तों, सुडान के नीचे, यहाँ पे काफी ज्यादा वायलेंस है जो कि होती रहती है, तो उसी के लिए दोस्तों हमने ये किया है। जनसत्ता की बात करें तो इसके अंदर तो फ्रंट पेज के ऊपर कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई को लेकर है। यूएई ने दोस्तों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर स्टडी करने के लिए वो क्या कर रहा है दोस्तों, अभी रिसेंटली सैटेलाइट है वो भी लॉन्च कर रहा है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड है ना, उनकी स्टडी करने के लिए दोस्तों ये भी लॉन्च है जो कि कर रहा है। ओके, 2028 के अंदर, और मतलब इस एस्ट्रॉइड के ऊपर ये इनका टारगेट है 2033 तक हम लोग लैंडिंग करवा दें। 5 साल की ये यात्रा होगी, 2028 में ये लोग स्टार्ट करेंगे और 3.6 अरब किलोमीटर की दूरी है जो कि ये तय करेंगे। ओके गाइज, इसके अलावा कोलोराडो जो विश्वविद्यालय है उनके साथ मैंने साझेदारी करी है, और इसके अलावा आपको मालूम है मार्स के ऊपर भी दोस्तों ये लोग अपना पहला गल्फ कंट्री जो कि मार्स मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। ठीक है, 2024 में जो मून है उसका भी मिशन है जो कि इन लोगों ने प्लान कर रखा है। आगे बात करते हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की हॉकी प्रतियोगिता से दोस्तों हमने हट गए, क्योंकि आपको मालूम है ना कि यूके जो है वो दोस्तों इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहा वहाँ पे विदाउट क्वारंटाइन ट्रैवल करने के लिए, तो हमने भी टिट फॉर टैट किया और हमने भी ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं कर रहे क्वारंटाइन से, 10 दिन टू क्वारंटाइन उनके लिए भी कंपलसरी है। और अभी हमारी हॉकी टीम जाने वाली थी वहाँ पे खेलने के लिए कॉमनवेल्थ हॉकी टूर्नामेंट के लिए, लेकिन अभी हमने मना कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड रेगुलेशन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हॉकी जिसको फील्ड हॉकी बोलते हैं कनाडा में, कॉमनवेल्थ गेम्स का पार्टिसिपेशन है, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स में 1988 के बाद में इसको करवाया गया। ओके, 1998 के बाद में इसको करवाया गया, 10 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और मोस्ट रिसेंट चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है और सबसे, ठीक है, और मोस्ट टाइटल भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीते गए हैं। मोस्ट रिसेंट पुरुषों में तो ऑस्ट्रेलिया, महिलाओं के अंदर न्यूजीलैंड है। ठीक है, और पुरुष और महिला दोनों में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ही टूर्नामेंट जीते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये पिछले सारे में गोल्ड मेडल, मतलब ये हो क्या रहा है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जितने भी हुए हैं 1998 के पुरुष के, सारे में ही गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। सिल्वर मेडल के अंदर 2 बार हमारे पास सिल्वर मेडल है जो कि आया है। ओके, और 1 बार हम 4th पोजिशन पर है जो कि रहे हैं। चलिए, ठीक है, ये देख सकते हो सारे गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास 2 बार रनर अप है जो कि हम लोग रहे हैं। चलिए, ठीक है, इस चाइनीज मिलिट्री जेट इन द ताइवान डिफेंस जोन, तो ताइवान के डिफेंस जोन के अंदर दोस्तों अभी रिसेंटली कई सारे चाइनीज प्लेन है, फाइटर प्लेन है जो कि देखने को मिले, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में भी काफी तनातनी है जो कि रिसेंटली चल रही है। ओके गाइस, एक्चुअली के अंदर चाइनीज ये बोलते हैं कि भाई जैसे कि हांगकांग और मकाओ हमारा एरिया है, वैसे ही ताइवान भी हमारा एरिया है, उसको चाइनीज ताइपे नाम से जाना जाता है। ताइवान बोलता है कि भैया नहीं, हम तो सोवेरियन कंट्री है। ओके, हम तो आपके अंडर में नहीं है, हम तो हमारा खुद का कंट्री बना रहे, कंट्री हमारा जिसका नाम ताइवान है। ओके गाइस, अगर जनरली बात करें तो पूरी दुनिया ने दोस्तों चाइना का ही पार्ट है जो कि ताइवान को मान रखा है, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान के पास में था पहले ताइवान, वो हार गया जापान, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में चाइना के पास में चला गया ताइवान, और उसके बाद से दोस्तों वही है जो कि उसको कंट्रोल करता है, लेकिन वहाँ पे जो की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है और वो वहाँ पे चाइना के कंट्रोल में काम नहीं करना चाहती। इनफैक्ट जब चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, तो उससे पहले जो चाइना के अंदर पार्टी थी उसका नाम था KMT नाम से, तो वो लोग क्या हुए थे, रिफ्यूजी बन के फिर ताइवान में जाकर रहने लग गए थे, फिर उनको हरा के वहाँ पे एक और पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने दोस्तों ताइवान की पॉलिटिक्स में अपना काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होल्ड है जो कि कर लिया, और इस वजह से उनका और चाइना के बीच में काफ़ी मतभेद है जो कि रहते हैं। और अभी दोस्तों ताइवान को जो है वो डराने की कोशिश है जो कि करी गई है, देख सकते हो ये ताइवान है और ये आपका चाइना है। ठीक है, चलिए, और ऐसा नहीं कि ताइवान के पास में मिलिट्री नहीं है दोस्तों, ये देख सकते हो इनका ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, है ना, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर ROC ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना, ऐसा बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। और ठीक है, तो October 1 वॉजेंट ए गुड डे, द PLA, ओके, जो पीपल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने 38 वॉर प्लेन है जो कि ताइवान के ऊपर उड़ाए,
इनके पास में भी है, ताइवान के पास में 3 लाख लोगों की आर्मी है टोटल, जिसमें बहुत ही कम है, मतलब क्या चाइना का मुकाबला तो नहीं कर सकते, इसलिए ताइवान जो है वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया है जो कि उनकी हेल्प करे। ओके, जब देश के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दोस्तों इंडिया ने और बहुत सारे देशों ने जो है ताइवान को चाइना का पार्टी है जो कि एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है गाइस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए KMT करके पार्टी थी, है ना, और बाद में क्या हुआ कि KMT के बजाय वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है DPP नाम से, वो वहाँ पे आ गई। ओके, तो और वहाँ पे दोस्तों मूवमेंट है जो कि डेमोक्रेसी का चलाया गया। चलिए ठीक है, ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है जो कि कंट्री का माना जाता है। चाइना ये बोलता है कि हम आपको वन कंट्री, और होता है ना जैसे कि मकाओ को हांगकांग को कंट्रोल कर रखा है, उस तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ताइवान जो है दोस्तों वो इस तरीके से रूल करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सारी बात है, बाकी तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ताइवान का। लेकिन दोस्तों चाइना के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट रहा है। ताइवान ने दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में चाइना में किया है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में ताइवान के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है चाइना में। आज भी रिलेशनशिप तो दोस्तों दोनों के बीच में कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ओके जो कि ताइवान ने करे हैं, और अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे ताइवान इंडिया न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि नहीं होना पड़े। ओके, ताइवान में दोस्तों नियर बाय 33 मिलियन 3 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि रहते हैं, और इंडिपेंडेंटली गवर्न होता है चाइना से 1949 के बाद में। ठीक है, इसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना तो बोलता है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बोले, लेकिन ताइवान बोलता है कि हम लोग सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि कहलाना चाहते हैं। ठीक है, और हम लोग इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री है जो कि काम करना चाहते हैं। चलिए, यूनाइटेड नेशन का दोस्तों ये मेंबर भी नहीं है, क्योंकि यूएन का मेंबर होने के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री होना जरूरी है। ठीक है गाइस, लार्जेस्ट इकोनॉमी है दोस्तों आउटसाइड द यूएन, एशिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबल लीडर है चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और IT हार्डवेयर के अंदर भी दुनिया में 2nd नंबर के ऊपर है। चलिए बताइए दोस्तों, चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलिए आंसर बताइए। डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ आफ्टर द सरेंडर ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर हुआ 1949 में चाइना में, जिसकी वजह से चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि आ गई। बताइए कौन सा सही है? चलिए बिल्कुल सही है यार, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस वर्ल्ड हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है कि 4 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट है जो कि मनाया गया, UN के द्वारा इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है गाइज, और पूरे दुनिया में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, तो हर किस्म के लोगों को, हर क्लास के लोगों के लिए रहने की जगह होनी चाहिए। ओके, हैबिटेट है जो कि होना चाहिए, इसी को लेकर दोस्तों इस दिवस की अवेयरनेस है जो कि फैलाई जाती है, जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दुनिया डेंसली पॉपुलेटेड हो रही है और रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है रहने को, तो 1st मंडे जो है अक्टूबर का हर साल इसको मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, और 1985 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज है जो कि किया गया केन्या के अंदर नैरोबी में दोस्तों, पहली बार है जो कि इसको मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी शेल्टर इज माई राइट, ये थीम है जो कि इसकी रखी गई थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे के बारे में। 4 अक्टूबर को उसको मनाया जाता है, UN के द्वारा स्टार्ट किया गया, और 1st संडे जो है अक्टूबर का तब इसको मनाया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोमल का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कोमल, गॉड ब्लेस यू। चलिए आंसर देखो, पहला वाला तो सही है, लेकिन यहाँ पे संडे की जगह क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, तो यानी कि ये आपका सही आंसर है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं नासा के दोस्तों यहाँ पे साइकी मिशन को लेकर, साइकिक मिशन। तो देखिए नासा ने दोस्तों क्या किया है, साइकी मिशन है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि ये जो एस्ट्रॉइड है ना उसकी स्टडी करेंगे, जिसका नाम भी दोस्तों यहाँ पे साइकी है। ओके गाइस, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा जो है ये साइकी मिशन के ऊपर काम कर रहा है, ये एक एस्ट्रॉइड है जिसके ऊपर स्टडी करी जा रही है जो मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है गाइस, चलिए और कुल मिला के देखो बात तो वही है, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर, बनने को लेकर, इन सब को लेकर ही दोस्तों बताया जा रहा है, है ना, यही के ऊपर 2 अगस्त 2022 के अंदर इस मिशन को लॉन्च है जो कि किया जाएगा। 2 साल तक एस्ट्रॉइड के ऊपर घूमेगा, उसके बाद पिक्चर्स लेगा, सारी चीज़ें लेगा और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, नासा विल सेंड इट्स साइके मिशन इन अगस्त 2022 लॉन्च, स्पेस क्राफ्ट दोस्तों 5 साल तक के लिए घूमेगा, 5 साल में सारा डाटा इकट्ठा करके बेचेगा।
कौन सा सही है? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। पांच नहीं होगा, पांच की जगह क्या होगा? 2 साल होगा। वापस से यही आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इस आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 1676 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने को दोस्तों अथॉरिटी मिली किंग ऑफ इंग्लैंड से, वो इंडिया की करेंसी को क्या कर सकता है? मिंट कर सकता है, बॉम्बे के अंदर बना सकता है। 1989 के अंदर दलाई लामा को दोस्तों नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। 2007 में फर्स्ट सक्सेसफुल वुमेन पावर्ड अटैम्प जो है सरकमवेट करने के लिए वर्ल्ड में कोशिश करी गई। ओके, एक्सपेडिशन 360 है जो कि नाम इसका दिया गया था, और ये देख सकते हो आप नियर बाय 5000 दिनों में 46,000 माइल है जो कि इसने कवर किया है ना। चलिए, 1995 में फर्स्ट एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग सन लाइक स्टार जो है वो डिस्कवर किया गया। ओके गाइस, एस्ट्रोनॉमर इसका नाम दिया गया था 51 पेगासी बी। ओके, ये नाम है जो कि दिया गया जुपिटर लाइक, जुपिटर का जैसे एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट था जो कि सन के लगा रहा था। ओके, वोकैबुलरीज की बात करें तो एंकर का मतलब होता है फाउंडेशन, किसी को मदद अवेलेबल करवाना, एंकर। सेकेंड है रेजिलियंस, यानी कि लचीलापन, टफनेस, स्ट्रेंथ को अपन लोग कहते हैं। वैसे मिटिगेट का मतलब होता है गंभीरता कम करना, किसी चीज को लेस बनाना। मैमोथ का मतलब है बहुत बड़ा, कोलोसल बहुत अच्छा वर्ड है, इनॉर्मस, गार्गेचुआन, ये सारे पेपर में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आयरोनिक, यानी कि कोई भी चीज जो कि बहुत ही पैराडॉक्सिकल होती है, स्ट्रेंज होती है, बोलते हैं ना बहुत ही आयरनी है ये, तो यार आयरोनिकल है ना, क्या एक्सपेक्ट किया और क्या निकला ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि है फॉर्मिडेबल, यानी कि भयानक, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उसको कहते हैं। ठीक है गाइस, इसके अलावा दोस्तों फन फैक्ट की बात करें तो बात करेंगे दोस्तों पेरू के अंदर। देखो 25 दिसंबर को पेरू के गांव के अंदर एक प्रथा होती है जिसके अंदर गांव के जिन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई होती है ना, वो क्या कर सकते हैं? ड्रिंक कर सकते हैं, आपस में लड़ सकते हैं और न्यू ईयर से नई शुरुआतें जो कि कर सकते हैं। एक तरीके से फाइट क्लब मूवी देखी आपने? ठीक है, नहीं देखी तो देखना, बहुत ही अच्छी, बॉलीवुड वाली नहीं, हॉलीवुड वाली देखना ठीक है, कॉपी मारने कॉपी मत देखा करो, ओरिजिनल देखा करो। चलिए, तो उस तो है ना यही प्रथा यहाँ पर भी चलती है, कोई भी आपस में ड्रिंक करके लड़ते हैं और एक तरीके से नई शुरुआत करते हैं, दोनों भाई भाई बहन बहन है जो कि रहते हैं। ठीक है, तो ये पेरू के एक गाँव के अंदर है जो कि होता है। ओके, इसके अलावा गाइस अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो तो आप अनअकैडमी पे BHU 10 या BUNESH 10 यूज करके 10% ऑफ है जो कि पा सकते हैं। UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF। ओके, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, गोल अपना सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एग्जाम का गोल है, SSC, UPSC, PCS, कोई भी, फिर यहाँ पे प्लस में जाइए फ्री क्लासेस के लिए, फ्री क्लासेस में, और गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 महीने, और नीचे की तरफ आपको BHU 10 है जो कि आपको लिखना है। EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है मेरा जल्दी ही, और इसके अलावा मैं आपको SSC कैटेगरी में PCS तक के प्रिपरेशन है, GK है जो कि मैं आपको करवा रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा, और मेरे अलावा आपको सारे सब्जेक्ट की बाकी क्लासेस भी मिल जाएगी। एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करना ना भूलिए, अभी तक अपन लोग स्माइल फॉर ऑल में 1000 बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस सब्सक्राइबर अभी 550-600 के आसपास है, तो बहुत सारे डेफिशिएंट पढ़ रहा है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि 500 रुपये पर मंथ एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करें, कुछ नहीं जाता यार, एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट होती है, लेकिन एक बच्चे का जीवन है जो कि बन सकता है। ठीक है, हेल्प जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।